जी अस्सलाम वालेकुम कैफे एट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में सैम्पलिंग से रिलेटेड पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो रिलेट करता है यूजिंग दी वर्क ऑफ अदर्स। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से सैम्पलिंग में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। रिप्रेजेंटेशन का रिप्रेजेंटेटिव, हाँ जी बिल्कुल। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है ऐसी आइटम जिसका किसी पॉपुलेशन में होना नॉर्मल होता है, यानी जो फ्रीक्वेंटली किसी पॉपुलेशन में पाई जाती है उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यानी फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जैसे सेल है, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ इन्वेंट्री, हमने उसका सैंपल सेलेक्ट किया, ठीक है, तो क्या सेल की ट्रांजैक्शन हर महीने अकर होती है? ये नॉर्मल है, इसको हम कहेंगे ये रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अगर उस सेल्स की ट्रांजैक्शन में हर महीने फॉर एग्जांपल जो प्राइस का रेट है वो ₹10 लगाया गया है, ये नॉर्मल है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹10 प्राइस अप्रूव की है। अब अगर पता चला किसी एक महीने में प्राइस जो है वो 10 की बजाय 1 यूज़ की गई है, हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला वो एक आरजी तौर पे किसी को एम्प्लॉय रखा था, उसने इनवाइस प्रिपेयर करते हुए ये गलती की है, ठीक, तो क्या अब ये ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है जो किसी टाइम पर नहीं? इसे हम कहते हैं एनोमली, जो वन ऑफ इवेंट की वजह से आए, वन ऑफ इवेंट की वजह से। फिक्स एसेट्स हमने सेल किया, नॉर्मल फिक्स एसेट्स था, एट द एंड ऑफ द लाइफ सेल किया, लॉस हो गया, नॉर्मल है, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर फ्लड आया जिसकी वजह से मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई, उसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, उसको सेल किया, उस पर लॉस आया, क्या ये लॉस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है? क्या आप ये कह सकते हैं कि कंपनी के इसकी वजह से बाकी के फिक्स एसेट में भी रिस्क है कि वो भी लॉस पे ही डिस्पोज होंगे? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये जिस इवेंट की वजह से एरर हुआ है वो वन ऑफ इवेंट है, कभी कभार होता है, रोज रोज नहीं होता, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, इसे कहते हैं एनोमली। फिर जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो क्या होगा? एनोमली, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन में एज अ डेटर हमारे सामने जब भी कोई एरर या मिस स्टेटमेंट या वीकनेस वगैरह डेविएशन जो भी प्रॉब्लम आती है तो स्टेप नंबर वन पे हमने ये डिसाइड करना होता है ये वन ऑफ इवेंट की वजह से है यानी एनोमली है कि रिप्रेजेंटेटिव है। जब ये डिसाइड कर लें फिर इसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं हम। अगर तो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है तो हम इसे प्रोजेक्शन में यूज़ करते हैं। जैसे अगर रिप्रेजेंटेटिव है 10 में से 2 मिस स्टेटमेंट्स हैं तो इसका मतलब जो बाकी का 100 की पॉपुलेशन है उसमें भी तो ये बार बार आ रही होंगी क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम इसे फिर प्रोजेक्शन में यूज़ करते हैं। इस तरह की मिस स्टेटमेंट को हम कहते हैं 10 में से 2 मिस स्टेटमेंट, 100 में से कितनी होगी? 20। यह है प्रोजेक्शन। अब इसका मतलब यह है 2 की बेस पे हम यह कह रहे हैं बाकी की पॉपुलेशन में भी मिस स्टेटमेंट्स होगी लगभग 20 के करीब, ये है रिप्रेजेंटेटिव। और अगर एनोमली हो तो उसे प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना। जैसे अब इसी सिचुएशन में 10 में से 2 प्रॉब्लम्स हैं, एरर सामने आए, एक एरर किसी टेम्परेरी एम्प्लॉय की वजह से था जो सिर्फ एक महीने के लिए काम किया था जिसने, अब ये एनोमली होगी, डिसाइड कर लिया, अब इसको प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना। यूज नहीं करने का मतलब क्या है? अब आप ये इस तरह कैलकुलेशन नहीं करेंगे 10 में से 2 के एरर्स हैं तो टोटल पॉपुलेशन में 20 के एरर्स होंगे, ऐसे नहीं, बल्कि इसे प्रोजेक्शन से एक्सक्लूड कर देना। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या? अब आपने ये सोचना है 10 में 2 एरर नहीं है बल्कि 10 में 1 एरर है, हालांकि एक्चुअली 2 आए हैं लेकिन एक को एक्सक्लूड कर दिया, किस वजह से? एनोमली है। तो हम कहेंगे 10 में से 1 एरर है, 100 में कितने हो गए? 10, 10, ठीक है। हाँ, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि बहरहाल ये जो एनोमली है ना ये भी है तो एरर, तो इसको आपने अपने पास वो जो क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल होता है ना, वो लिस्ट वगैरह जो होती है उसमें नोट कर लें, प्रोजेक्शन में यूज़ नहीं करना, लेकिन बहरहाल है तो एरर ही, तो अपने पास वो जो लिस्ट बनाई होती है ना लिस्ट ऑफ एरर, उसमें इसको शामिल कर लें, प्रोजेक्शन में शामिल नहीं करना। क्लियर हो गया बानर भाई? और कोई क्वेश्चन?
प्रोजेक्टेड को टॉलरेबल से कंपेयर करते हैं तो तब भी उसको एनोमली को कंसीडर नहीं करते। प्रोजेक्टेड को जब टॉलरेबल के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या फिर इसको हमने एनोमली को कंसीडर करना है? ना कर कीजिए, ना कीजिए। एक जगह पे वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा शायद कंसेप्ट, एक जगह स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप प्रोजेक्शन कर लेना सारी, यानी 10 में से एक मिस स्टेटमेंट है तो 100 में कितनी होंगी? 10। वो कहता है फिर इस 10 में वो जो एक एनोमली वाली है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बाहर हाल वो एक एरर है, प्रोजेक्शन में यूज़ नहीं करना लेकिन बाहर हाल एक एरर है। तो जब कभी आपके पास लिस्ट ऑफ एरर बना रहे हो, कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो, चाहे वो प्रोजेक्टेड एरर की लिस्ट क्यों ना हो, उसमें इस एरर को ऐड कर। तो इस सूरत में हमारी जो टोटल कैलकुलेशन होगी एरर की वो फिगर बताएगी हमें 11, 10 प्रोजेक्शन वाले और एक एनोमली वाला, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको कभी भी इतना डिटेल में कैलकुलेशन चेक नहीं करवाएगा, ना आज तक किया ना ही एक्सपेक्टेड करवाएगा। बहरहाल कंसेप्ट बिल्ड कर दिया हमने। और कोई क्वेश्चन? जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में उसने तीन चीज़ें बोली थी लाजमी होंगी, रैंडम सेलेक्शन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू वैल्यूएट रिजल्ट और मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। इसमें ज़्यादा जो यूज़ होती हैं हमारे चैप्टर में दो होती हैं, एक रैंडम सेलेक्शन और एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी। मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क सिर्फ वो एक डेफिनेशन की हद तक है। दोनों चीज़ें हों तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होगी, एक चीज़ भी मिसिंग हो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, यानी रैंडम, क्या पॉसिबल है कि रैंडम सिलेक्शन तो हो लेकिन प्रोबेबिलिटी की यूज़ ना किया जाए? तो फिर वो कौन सी वाली है? नॉन स्टैटिस्टिकल। हाँ, कि रैंडम यूज़ हुआ है, ठीक है। तो लाजमी नहीं है ये कंसेप्ट कि जब कभी भी रैंडम यूज़ होगा वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ही होगी, लाजमी नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के लिए दोनों कंडीशन पूरी होना ज़रूरी है, रैंडम भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी। तो इसीलिए उसने एक जगह पे लिखा है कि अगर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कर रहे हैं तो रैंडम और सिस्टमैटिक ये दो मेथड यूज़ करें, और अगर कर रहे हैं नॉन स्टैटिस्टिकल तो तीनों यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम रैंडम नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है इसमें रैंडम मेथड को यूज़ करेंगे या इसमें सिस्टमैटिक को यूज़ करेंगे तो ये स्टैटिस्टिकल नहीं बन जाएगा? नहीं बन जाए। क्यों नहीं बन जाएगा? क्योंकि हो सकता है दूसरी कंडीशन पूरी ना हो रही हो सकता है दूसरी, टोटल तीन कंडीशन बताई ना उसने स्टैटिस्टिकल में, तो एक अगर यूज़ हो भी रही हो तो मे बी दूसरी ना हो। क्लियर हो गया मेरा भाई क्वेश्चन? ये था ना। और कोई सवाल? जी हाइब्रिड क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम चलते हैं फिर पास पेपर के, ये अटेंटिव होके अगर आपने इन सवालों के जवाब दे दिए मतलब आपका चैप्टर तैयार है, ठीक है। और ये वॉल्यूम वन में जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं ना खासतौर पे केस स्टडीज़, ये आपकी मॉडल केस स्टडीज़ होती हैं। अगर कभी टाइम कम हो और वॉल्यूम टू पूरा रिवाइज नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि कम से कम केस स्टडीज़ करके कम से कम टाइम में ऑडिट की जितनी केस स्टडीज़ वाले चैप्टर कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाएँ तो वॉल्यूम वन की केस स्टडी सिर्फ कर लें, ठीक है। क्योंकि इसमें केस स्टडी को रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया गया बल्कि सारी केस स्टडी सामने रख के कोशिश की गई है कि वो ऐसी केस स्टडी जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस करवाएं वो हम वॉल्यूम वन में इंक्लूड करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वॉल्यूम टू की प्रैक्टिस ऑप्शनल है, वॉल्यूम टू की प्रैक्टिस भी लाजमी है। सिर्फ रिवीजन के टाइम में बाजू का टाइम कम होता है ना तो उस वक्त सिर्फ वॉल्यूम वन की केस स्टडीज भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन फॉर, ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या पूछ रहा है? ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग पूछ रहा है, ये सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक, स्टैटिस्टिकल नहीं लिखना। कौन सी? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक कौन सी होती है? जिसमें हम एवरी nth आइटम को सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल के 500 टोटल पॉपुलेशन है, आपने 20 का सैंपल सेलेक्ट करना है, 20 का सैंपल सेलेक्ट करना है, कौन सी भी वाली आइटम सेलेक्ट करेंगे? 500 के टोटल ट्रांजैक्शन है, 20 का सैंपल सेलेक्ट करना है,
तो 500 को 20 से डिवाइड कर देंगे, क्या आंसर आएगा? 25। हर 25वीं आइटम सेलेक्ट करनी है। पहले नहीं, मैं एक मिनट, अभी कंसेप्ट पूरा नहीं ना हुआ। हर 25वीं आइटम सेलेक्ट करनी है, ये बात समझ आ गई आपको? अब पहली आइटम कैसे सेलेक्ट होगी? हाँ, रैंडम। पहली एक से लेके 25 तक रैंडम, जैसे वो क्या होगी, कोई भी सेलेक्ट कर ले, 17। अब 17 को सेलेक्ट करने के बाद हर 25वीं आइटम का मतलब क्या है? पहली आइटम 17, दूसरी आइटम 17+25, तीसरी आइटम 17+25+25, और इस तरीके से आगे चलते रहे। ये है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्लियर जी? Yes, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के फैक्टर भी पूछे और टेस्ट ऑफ डिटेल के, इकट्ठे लिखेंगे कि अलग अलग? दोनों फैक्टर्स अलग अलग, आपको पता है ना? कुछ एक दो शायद सेम भी हैं, लेकिन ज्यादातर डिफरेंट है। अच्छा, इसमें आप देखिए, नोट कीजिए, वर्ड उसने लिखा हुआ है आइडेंटिफाई। क्या मुझे सिर्फ हेडिंग लिखनी है या एक्सप्लेनेशन भी? सिर्फ फैक्टर लिख देंगे कि उस फैक्टर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से सैंपल साइज में क्या फर्क पड़ता है, वो भी लिखना है। ये अहम क्वेश्चन है। सिर्फ फैक्टर लिखने हैं, कैसे पता चला? सिर्फ आइडेंटिफाई स्टेट या लिस्ट का मतलब होता है सिर्फ फैक्टर लिखे, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस वगैरह, इनका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। और दूसरा हमने एक और चीज़ नोट की, मार्क्स। तो इसका मतलब तकरीबन 2.5 मार्क्स होंगे इसके, 2.5 मार्क्स होंगे इसके, 5 उसके, 5 उसके, एक फैक्टर लिखने का आधा नंबर होगा। इस तरीके से मार्क्स तो एग्जाम में आपने याद रखे, दो काम तो लाजमी करने हैं, लाजमी। पहला काम, हर क्वेश्चन को 2 दफ़ा पढ़ना है, लाजमी करना है हर क्वेश्चन को 2 दफ़ा। पहली दफ़ा क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं समझ आती ही नहीं, खासतौर पे केस स्टडी में। और दूसरा, मार्क्स को देख के एक दफ़ा मार्किंग स्कीम अपने जहन में जजमेंट की बेस पे बना लेनी है, जजमेंट की बेस पे अपने जहन में मार्किंग स्कीम बना के जो पूछ रहा है किस तरीके से की होगी मार्क्स की, उसको एस्टिमेट करने की, जज करने की कोशिश। ये 2 काम लाजमी करने हैं। कौन से 2 काम? ये लिख ले, पहले सफ़े भी लिख ले, पहले सफ़े के एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन को 2 दफ़ा कम से कम ज़रूर पढ़ना है, ख़ास तौर पे केस स्टडीज़ को। और ये दूसरी दफ़ा पढ़ने में टाइम ज़ाया नहीं होगा, ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इसमें कॉस्ट ज़रूर थोड़ा टाइम लगेगा, ज़रूर आपका ज़ाया नहीं होगा, कन्फर्म भाई। हर क्वेश्चन ख़ास तौर पर केस स्टडी को 2 दफ़ा पढ़ना है, उसके बगैर पहला लफ्ज नहीं लिखना। जब तक 2 दफ़ा पढ़ना ले, पहला लफ्ज आपके सोल्यूशन आंसर शीट पे नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में चाहे अंडरलाइन करके कोई कीवर्ड्स वगैरह एक आधा लिख ले सोल्यूशन 2 दफ़ा। और दूसरा काम क्या करना है? मार्किंग स्कीम को देख के आपने जजमेंट की बेस पे एलोकेशन करने हैं कि एग्जामिनर के पास जो मार्किंग स्कीम पड़ी हुई है उसने किस चीज़ को कितने मार्क्स दिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गया जी, इसमें आपने बता दिया कि वो सिर्फ लिस्ट करना। फिर ये आगे केस स्टडी। सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। एज एन ऑडिट मैनेजर ऑफ द जॉब यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ ऑडिट एफिशिएंसी इज इंप्रूव्ड बाय यूजिंग द अबव टेबल। अबव को अंडरलाइन कर लें, अबव। इसका मतलब है अबव टेबल पढ़े बगैर मैं आंसर नहीं दे सकता। ये रिप्रोडक्शन का नहीं, केस स्टडी का क्वेश्चन है, क्योंकि केस की इंफॉर्मेशन पढ़ के मैं आंसर दे सकूंगा, पता नहीं किस टेबल की बात कर रहा है। दूसरा, लिस्ट अदर वेज इन विच सेल्स पॉपुलेशन में बी कैटेगराइज। अब कैटेगराइजेशन को अंडरलाइन कर लें और सेल्स को भी। इसका मतलब है मुझे बताना है कि और कौन से तरीके हैं जिनमें सेल्स की कैटेगराइजेशन हो सकती है। लफ्ज़ कैटेगराइजेशन से मुझे अंदाज़ा हुआ शायद सर्टिफिकेशन की तरफ बात लेके जा रहा है। और फिर कह रहा है गिव योर ओपिनियन ऑन द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय सुहेल एंड अदर ऑडिट टीम मेंबर। कुछ पता नहीं हमें व्यूज सुहेल के क्या हैं, अदर टीम मेंबर। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो इसका क्या मतलब, कहाँ से पता चलेगा? क्वेश्चन पढ़ के, सिंपल। तो अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका व्यू दिया होगा, आइए इसको पढ़ते हैं।
कह रहे यू आर द ऑडिट मैनेजर क्लाइंट वेयर एन एनुअल सेल इज रुपीज 640 मिलियन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनुअल ऑडिट द फॉलोइंग टेबल वॉज डेवलप्ड बाय एन ऑडिट टीम मेंबर टू कैटेगराइज द एनुअल सेल. एनुअल सेल को कैटेगराइज करने के लिए कैटेगराइज किया किसको? एनुअल सेल्स को. कैटेगरी ए बी और सी. कैटेगरी में 50 सेल्स ट्रांजैक्शन टू डिफरेंट कस्टमर 300 मिलियन, 100 ट्रांजैक्शन 200, 500 का टोटल 140 मिलियन, 640. क्लियर? क्या स्ट्रेटिफिकेशन किया उसने? बिल्कुल स्ट्रेटिफिकेशन किया. अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट उसकी क्या थी? हाउ ऑडिट एफिशिएंसी कैन, आपके ख्याल में क्या उसकी ये कैटेगराइजेशन या स्ट्रेटिफिकेशन से ऑडिट एफिशिएंसी इंप्रूव होती है? अच्छा, एफिशिएंसी कहते किसको है भला? जल्दी काम हो जाए. शाबाश, जल्दी काम हो जाए, एफिशिएंसी ये है. कैसी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी? सैंपल साइज कम हो जाए. कम किस वजह से होता है? हाँ, हम लिखेंगे स्ट्रेटिफिकेशन रिड्यूसेस कौन सा रिस्क? हाँ, स्ट्रेटिफिकेशन रिड्यूसेस सैम्पलिंग रिस्क, देयरफॉर सैंपल साइज इज आल्सो रिड्यूस्ड, हेंस ऑडिट एफिशिएंसी इज इंप्रूव्ड. ठीक है, जब जब सैंपल साइज कम होगा तो काम कम करना पड़ेगा. सेम एविडेंस, कम रिस्क की वजह से आपको जल्दी मिल जाएगा. टाइप ऑफ कंफर्मेशन नहीं, उसने रिक्वायरमेंट के अंदर कंफर्मेशन का जिक्र नहीं किया. सैम्पलिंग के कुछ क्वेश्चंस में कंफर्मेशन का कंसेप्ट भी इंटीग्रेट करता है. उसकी रीज़न ये है कि सैम्पलिंग ज़्यादातर डेटर्स और क्रेडिटर्स में होती है और कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हुए हम करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सैम्पलिंग सिर्फ डेटर और क्रेडिटर्स में होती है, बाकी एरियाज में भी होती है. तो मे बी सैम्पलिंग के किसी क्वेश्चन में कन्फर्मेशन को वो मर्ज कर दे, कन्फर्मेशन के कंसेप्ट को भी, मे बी ना करे. उसकी रीज़न बता दी मैंने आपको. आपने कब उसको अपने सॉल्यूशन में सैम्पलिंग के साथ कंफर्मेशन को करना है? जब रिक्वायरमेंट में, इससे पहले आपको याद है हमने क्वेश्चन में किया था केस स्टडी में, उसने रिक्वायरमेंट के अंदर क्लियरली सैम्पलिंग के साथ कंफर्मेशन का वर्ड भी यूज़ किया था, इसलिए दोनों कंसेप्ट को डिस्कस किया हमने. चलिए, पता चल गया ये टेबल क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन. लिखेंगे दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन विच रिड्यूसेस सैम्पलिंग रिस्क, देयरफॉर सैम्पल साइज इज आल्सो रिड्यूस्ड, hence efficiency of audit is improved. So here a team member, अच्छा sorry, list other ways in which sales population may be categorized. ये तो उसने amount की base पे categorization की है ना. table देख के लग रहा है आपको amounts की base पे categorization है. बड़ी बड़ी amounts उसने अलहदा कर दी और फिर उसके बाद दरमियानी अलहदा और छोटी अलहदा. amounts की base पे classification की है ना. क्या किसी और बेस पे आप इस सेल्स की पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं? और किस बेस पे? प्रोडक्ट वाइज. शाबाश, कैश सेल है कि क्रेडिट सेल है? कस्टमर वाइज, वो रिटेलर है कि होलसेलर? शाबाश. मंथ वाइज, एक बड़ा अहम क्लासिफिकेशन होती है, मंथ वाइज ट्रेंड पता चल जाता है. मंथ वाइज भी है और प्रॉफिटेबिलिटी वाइज नहीं, ये कोई इतना नहीं लग रहा. क्रेडिट टर्म कैश है कि क्रेडिट है? बिल्कुल, ये चार पांच हमने मेंशन कर दी, ये काफी है. ठीक है, तो ये हमने कुछ अदर वेज भी बता दिए जिनमें टेबल को स्टार्ट, वो आपके पर्पस के लिहाज से आप उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ना. फिर हाँ, ज्योग्राफिकल रीजन वाइज भी, कि कौन सी एक्सपोर्ट है, कौन सी इंपोर्ट है, कौन सी यानी किस प्रोविंस या किस सिटी में सेल हो रही है. थर्ड, अच्छा सॉरी, आगे इसके बाद, अब ये दो पहले वाले दो हमने रिस्पॉन्ड कर दिए, अब आगे चलते. कह रहा है सुहेल ए टीम मेंबर इज ऑफ द व्यू दैट इफ वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इन कैटेगरी ए इज कैरिड आउट देयर इज नो नीड टू परफॉर्म फर्दर प्रोसीजर्स. हाउएवर अदर टीम मेंबर्स डू नॉट एग्री एंड कंसिडर दैट प्रॉपर सैम्पलिंग शुड बी कैरिड आउट फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन एंड कैटेगराइजेशन शुड बी इग्नोर्ड. दो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए, एक सुहेल का, एक अदर टीम है. पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आ गया. सुहेल क्या कहता है? कहता है टॉप की कैटेगरी एक में सबको सेलेक्ट कर लो और बाकियों को इग्नोर कर दो, क्योंकि तकरीबन 50% तो लगभग हो ही जाएगा. क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है? आधी बात पे हम उसको शाबाश देंगे और आधी बात पे नहीं देंगे. किस बात पे उसको शाबाश देंगे?
कि वो कह रहा है कैटेगरी ए की सारी आइटम को सेलेक्ट करो, ये अच्छी बात होना चाहिए। इसका पर्पज क्या होता है? टू कवर लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन गलत बात क्या है? कह रहे कैटेगरी बी और सी को इग्नोर। हम कहेंगे नहीं, जब हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं एवरी क्लास शुड बी सेलेक्टेड, ठीक है, टू गिव ओपिनियन ऑन एंटायर पॉपुलेशन। अगर आप किसी एक कैटेगरी को भी इग्नोर कर देना, आप इंटायर पॉपुलेशन पे ओपिनियन नहीं दे सकते। आप सेलेक्टेड पॉपुलेशन पे ओपिनियन दे सकते हैं, इंटायर पे नहीं दे सकते। अगर एक को भी इग्नोर किया तो क्या हमें इग्नोर करना चाहिए बी और सी? नहीं। तो फिर अच्छा, उसने सिर्फ यही पूछा है ओपिनियन दीजिए व्यूज एक्स, तो फिर इसके बाद से ये भी बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा वैसे अगर पूछता कि गिव सजेशन आल्सो, तो आप सोहेल को क्या सजेशन देते? कहते सोहेल भाई कैटेगरी ए की बात हम आपसे एग्री करते हैं, लेकिन सैंपल शुड आल्सो बी सेलेक्टेड फ्रॉम कैटेगरी बी एंड सी, ये सजेशन होगी हमारी। क्लियर? अच्छा फिर आगे अदर टीम मेंबर्स क्या कहते हैं कि प्रॉपर सैंपलिंग शुड बी कैरिड आउट फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन। उनकी इस बात से हम एग्री करते हैं कि सारी पॉपुलेशन में से सैंपल उठाना चाहिए, लेकिन बाय इग्नोरिंग कैटेगराइजेशन, नहीं नहीं नहीं, बाय रिटेनिंग कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन को रिटेन रखें। और इसमें भी लेकिन एक और बात भी है, क्या कि कैटेगराइजेशन में कैटेगरी ए में सैम्पलिंग ना करो, ए में सैम्पलिंग ना करो, ए में तो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज है, इनमें तो सबको सेलेक्ट कर लेना बेहतर है, इनमें सबको सेलेक्ट कर लेना बेहतर। हाँ, जो बाकी की पॉपुलेशन है उसमें से सैम्पलिंग करें। तो सोहेल ने गलती क्या की? सोहेल ने गलती ये की कि कैटेगरी बी और सी को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। और अदर टीम मेंबर्स ने गलती क्या की? उन्होंने कैटेगराइजेशन को इग्नोर कर दिया। ये बेसिक फॉल्ट है सैम्पलिंग। तो अब आपको समझ आया कि सैम्पलिंग, इसका मतलब ये हुआ कि आई कैप कुछ इस तरीके से केस स्टडी बना रहा है कि सैम्पलिंग की होगी किसी टीम मेंबर ने और वो हमसे पूछेगा बताओ इसमें क्या गलतियाँ हुई हैं, और हमारे सैम्पलिंग के किसी ना किसी कंसेप्ट की वायलेशन हो रही होगी। मुझे ये लग रहा है कि आई कैप सैम्पलिंग के चैप्टर में किस तरह की केस स्टडी बनाता है कि वो किसी ना किसी टीम मेंबर ने सैम्पलिंग की होगी और हमसे पूछ रहा होगा इसमें से गलतियां निकालो क्या है, कोई ना कोई कंसेप्ट गलत होगा। वो कंसेप्ट किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का गलत हो सकता है, ये हमारी किस्मत। लेकिन केस स्टडी का स्टाइल मुझे लगता है कमोबेश ऐसे होगा। आगे देखते हैं मजीद, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आई कैप ने, मेरी जाती ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं करनी चाहिए थी गलत, वो ये है एंड पे उसने एक दो तीन और तीसरे के भी दो पॉइंट्स है, टोटल चार क्वेश्चन इसमें है, हर एक के उसने इकट्ठे नंबर दे दिया 11, ठीक है। ये प्रॉब्लमेटिक एरिया, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आप अब जज नहीं कर सकते कि पार्ट ए में कितना लिखना है, बी में कितना लिखना है, सी में। अब जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं जजमेंट अप्लाई करूँ तो मैं इसको दो नंबर इसको दे दूँ, दो नंबर इसको दे दूँ, चार और फिर तीन इसको और चार इसको, दो चार चार आठ, नहीं, फिर क्या करें? दो इसको, तीन इसको और फिर तीन इसको, तीन इसको, तीन 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 दो, इस तरह की जजमेंट करनी पड़ेगी आपको। लेकिन मैं भी जब आप मार्किंग सीम देखें तो आपको पता चले इसको पांच नंबर दिए गए हैं, इस तरह के प्रॉब्लम। नॉर्मली रीजनेबल मार्किंग होती है, मैं ये भी बता दूँ नॉर्मली मार्किंग, लेकिन कभी कभार ऊंच नीच भी हो जाए, तो बेहतर होता है हर पार्ट के साथ क्वेश्चन आ जाएं। अगर हर पार्ट के साथ क्वेश्चन नहीं आते, आई कैप दो तीन रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करके, तो आपने फिर खुद जजमेंट करनी है, लिखने से पहले जजमेंट करनी है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का नहीं? आगे चलते हैं। फिर डिस्कस विद रीजन द एप्रोप्रिएटनेस आर अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस टेकन बाय ऑडिट सीनियर्स ऑन डिफरेंट असाइनमेंट्स। कह रहा है डिफरेंट असाइनमेंट्स पे ये डिसीजन लिए हैं ऑडिट सीनियर ने, इन पे कमेंट कीजिए ठीक है कि नहीं। और चूंकि हम सैम्पलिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये सारे डिसीजन सैम्पलिंग से रिलेटेड है। हमने हर डिसीजन को पढ़ना है और फैसला करना है अपने नॉलेज की बेस पे। क्या फैसला करना है कि ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं? पहला, सैंपल साइज ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल वार डिक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन।
फॉल्स कैसे? रेट ऑफ डेविएशन इंक्रीज हुआ है तो क्या सैंपल साइज भी इंक्रीज होना चाहिए। शाबाश, तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे फॉल्स, आगे रीजन लिख देंगे इफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल शुड ऑल्सो इंक्रीज। ये लाइन लिखनी है, सिर्फ यस ट्रू फॉल्स नहीं करना, यस रीजन भी कि असल में फिर क्या होना चाहिए था, ये गलत है तो फिर असल में क्या होना चाहिए था। पहला पॉइंट क्लियर? चलिए बी, इन व्यू ऑफ द इंक्रीज इन ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस को अंडरलाइन कर लें। फिर आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अश्योरेंस में किस चीज की ऑब्टेन कर रहा हूं, डेट टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट इज नॉट एक्सीडेड बाय एक्चुअल मिस स्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन। ये जो आगे है ना अश्योरेंस डेट टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट इज नॉट, ये जो फ्रेज उसने हमें बताया इस वजह से बताया ताकि हमें पता चल जाए हम टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कोई इससे ज्यादा फर्क पड़ता ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी सेम फैक्टर है। बहरहाल तो असल फोकस हमारा किसके ऊपर है होना चाहिए, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट इज नॉट एक्सीडेड बाय एक्चुअल मिस स्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन, इसके ऊपर, या के डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस पे? डिजायर्ड लेवल, ये तो हमारा रेलिवेंट फैक्टर है। ये वाली लाइन तो उसने सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल है कि टेस्ट ऑफ डिटेल, ठीक है? तो हमें पता चल गया कि टेस्ट ऑफ डिटेल में ऑडिटर डिजायर लेवल ऑफ अश्योरेंस को इंक्रीज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? इंक्रीज करना चाहता है डिजायर लेवल ऑफ अश्योरेंस को। तो उसने क्या किया, द ऑडिट सीनियर इंक्रीज द सैंपल साइज ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल का ही सैंपल साइज इंक्रीज। तो सही किया? बिल्कुल ठीक है, क्लियर? चलिए, और अगर यहां पर लिखा होता इंक्रीज सैंपल साइज ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फिर गला ये, और ये उसने किया हुआ है, ये इसने किया हुआ है, एक लफ्ज से सारा कंसर्न मैच हो रहा था, टेस्ट ऑफ डिटेल की बजाय टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इंक्रीज की बजाय डिक्रीज, ठीक है? इन अल्फाज से फिर आपका कंक्लूजन इंटायरली चेंज हो जाता है। सी, सैंपल साइज ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाज डिक्रीज बिकॉज द सैंपलिंग वाज डन आफ्टर स्ट्रेटिफिकेशन, ये ठीक है ना? स्ट्रेटिफिकेशन से रिस्क कम हो जाता है तो सैंपल साइज कम, ठीक है ना? भाई ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन रेलिवेंट फैक्टर है टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए नहीं है। तो ये डिसीजन उसका गलत है, बिकॉज स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट ए रेलिवेंट फैक्टर फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल या फॉर सैंपल साइज ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। डी, सैंपल साइज ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल वॉज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन की वजह से सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल इंक्रीज हुआ। अगेन फॉल रॉन्ग डिसीजन, कैसे? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज नॉट ए रेलिवेंट फैक्टर फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स, क्लियर जी? ये दोनों रेलिवेंट फैक्टर नहीं, ये बताया था ना आपको, वो रेलिवेंट फैक्टर में और इंक्रीज डिक्रीज में घुमाता है। लास्ट, एज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन वाज अनएक्सेप्टेबली हाई। अच्छा हाँ, ये पॉइंट था, ये शायद एक लाइन लिखी हुई थी, ये कल के लेक्चर में डिस्कस नहीं, अनएक्सेप्टेबली, ये लफ्ज आपने कहीं पढ़ा है पूरे चैप्टर में सैम्पलिंग? अनएक्सेप्टेबली हाई का लफ्ज पढ़ा है किसी ने पूरे चैप्टर में? क्या कह रहा है वो, कि अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा बढ़ा दो, यही सीखा है ना? लेकिन कहते हैं अगर अनएक्सेप्टेबली हाई है सैंपलिंग करो ही ना, सैंपलिंग करो ही ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल ना करो। देखिए यही बात लिखी है, इसकी रीजन क्या है, अगर आपको पता चले किसी जगह पे डेविएशन जो है वो, फॉर एग्जांपल अंदाज़ा है कि डेविएशन थोड़ी ज़्यादा होंगी, 8% होगी, 10% होगी, तो आप क्या करेंगे? रिस्क ज़्यादा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, सैंपल साइज बढ़ाने के। और अगर आपका ख्याल हो कि 60-70% होंगी डेविएशन, क्योंकि 60-70% डेविएशन बाद में कन्फर्म हो भी गई कि अगर इतनी ही है
तो भी आपने इसी नतीजे पे पहुंचना है भाई, अगर पहले ही पता चल रहा है एक चीज हमारे काबू से बाहर है तो स्टार्ट करने की क्या जरूरत है। भाई अगर सीए किसी ने बताया सीए मुश्किल है, आपने कहा मैं मेहनत करूंगा और कर लूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा कर लूंगा, उसने कहा सीए इतना मुश्किल है कि आप जितनी मेहनत करते हो आपको 50 साल लग जाएंगे, जितनी आपकी मसरूफियात हैं दूसरी और जितना आपको पढ़ने की आदत है, तो अब भी मुश्किल है, अब नहीं अब भी मुश्किल नहीं है लेकिन अब कितना मुश्किल है, अनएक्सेप्टेबली हाई, तो शुरू ही नहीं करना चाहिए कि अब कहे नहीं नहीं अब भी मैं मेहनत कर, शुरू ही नहीं, अगर आपको पता है हमारी मसरूफियात नहीं छोड़ सकते, फिर आप कहे नहीं मैं बहुत अच्छा टाइम को मैनेज करने वाला बंदा हूँ, मैं सारी चीज़ें साथ लेके चलूँगा, सारी चीज़ें साथ थोड़ी चलती। तो अगर जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हाई है तो सैंपल साइज हाई कर दो, और अगर अनएक्सेप्टेबली हाई है तो फिर सैंपल टेस्टों को परफॉर्म ही नहीं करना। क्लियर जी? अच्छा चले, ये तो क्या है, ऑडिट सीनियर डिसाइडेड नॉट टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इस बात पे तो हम उसे शाबाश देते हैं, यही करना चाहिए था, ठीक है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करना चाहिए। एंड कैरीड आउट टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑन 100% आइटम्स, ये क्यों नहीं, क्यों, क्या इसकी रीजन ये है कि ऑडिटर कभी भी 100% टेस्टिंग नहीं करता, करता तो है, तो यहां पे क्यों नहीं आप इसको क्या कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कि जिन सिचुएशन में वो 100% टेस्टिंग करता है उनमें ये फैक्टर लिखा ही नहीं हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म ना करे तो टेस्ट ऑफ डिटेल 100% करे, कहीं नहीं लिखा, देख ले पढ़ के देख ले, ठीक है। तो उसके आधे आधे फैसले से हम एग्री करते हैं, किस फैसले से आ, क्योंकि वो अनएक्सेप्टेबली हाई है, देखें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हाई है कि अनएक्सेप्टेबली हाई है, इन दोनों का ट्रीटमेंट फर्क है, ये नोट किया करना है आपने। तो कैरीड, लेकिन ये जो उसने कहा 100%, ये रेलिवेंट डिसीजन नहीं है, ये सही डिसीजन नहीं है, 100% टेस्टिंग का फैसला टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बेस पे नहीं बल्कि अदर फैक्टर्स की बेस पे होना चाहिए, ऐसा ही है। ये मेरा भाई मुझे बताएगा किस बेस पे, किन सिचुएशन में, कौन सी लिस्ट है जिसमें 100% आइटम को टेस्टिंग करते हैं, कैपिटल। अच्छा, एग्जाम्पल्स आप बोल देते हैं, कंसेप्ट नहीं बोलते, हालांकि एग्जाम में, क्लास में एग्जाम्पल बोली जाती है कंसेप्ट समझाने के लिए, एग्जाम में आपने कंसेप्ट बताना होता है, एग्जाम्पल नहीं। ये भाईजान कह रहे हैं सर शेयर कैपिटल में, सर लीगल एक्सपेंसेस में, इनमें 100% टेस्टिंग, इसका मतलब है क्लास में मौजूद थे, सुन रहे थे लेक्चर को, समझ भी रहे थे, समझ आ भी गया, घर जाके याद नहीं किया, याद नहीं किया। इस ये जो स्टूडेंट होता है ना जो एग्जाम्पल्स बता रहा होता है, कंसेप्ट नहीं बता रहा होता, वो स्टूडेंट होता है जो क्लास में मौजूद भी था, लेक्चर सुन भी रहा था, समझ भी रहा था, समझ आ भी गया, लेकिन घर जाके उसने पढ़ा नहीं, असाइनमेंट नहीं, उसे नहीं पता मैंने इस कंसेप्ट को पेपर पे कैसे उतारना है, और ऐसा स्टूडेंट कंसेप्ट स्ट्रांग होने के बावजूद भी पास नहीं हो पाता। ये भाईजान इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम है, अभी टाइम है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट अगर होना तो याद करने के ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है, लेकिन आप शुरू कर दें याद करना। बहरहाल नहीं, ये एक स्टूडेंट तो सिर्फ वो बेचारा पकड़ा जाता है, ये बेसिकली जो मैं क्लास में कोशिश करता हूँ एक दो स्टूडेंट की प्रॉब्लम कभी डिस्कस ना करूँ, बाकी का टाइम ज़्यादा था, वो प्रॉब्लम डिस्कस करूँ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की होती है, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इन भाई की नहीं बल्कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, इनमें किसी में कोई प्रॉब्लम, आगे चलें। डिफाइन एनोमलस एरर, एनोमलस एरर क्या है, डेफिनेशन याद है, कितने स्टूडेंट्स को एनोमली की डेफिनेशन याद है, एनोमली कह लें, एनोमलस एरर कह रहे हैं, एनोमलस मिसस्टेटमेंट कह ले, एनोमलस डेविएशन कह रहे हैं, फर फोकस इस पे नहीं करना कि आगे लफ्ज कौन सा एरर लगाया, मिसस्टेटमेंट या डेविएशन, फोकस पे करना है एनोमली का लफ्ज आ रहा है कि नहीं। कितने स्टूडेंट को डेफिनेशन याद है, ये ले सिर्फ 15 स्टूडेंट्स, ठीक है, टेम्परेरी वो एग्जाम्पल थी, कंसेप्ट नहीं था, टेम्परेरी एग्जाम्पल थी, कंसेप्ट क्या था, वन ऑफ इवेंट की वजह से जो एरर है। हाँ जी शाबाश, फिर क्या कह रहे हैं, हाउ शुड इट बी ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्टिंग सैंपल एरर्स टू द पॉपुलेशन,
सैंपल एरर से मुराद कोई डेविएशन या मिस स्टेटमेंट, दोनों, ये पुरानी टर्म है सैंपल एरर। अब वो कहता है सैंपल डेविएशन या सैंपल मिस स्टेटमेंट। एरर का मतलब होता है, एरर बेसिकली दोनों को कवर कर लेता है, डेविएशन को भी और मिस स्टेट, यानी कहना चाह रहा है कोई ना कोई गड़बड़ है। लेकिन अब जो वर्ड यूज करेगा स्पेसिफिक, ये पुरानी टर्म पुराने स्टैंडर्ड में यूज होती थी, अब रिवाइज होगी। तो प्रोजेक्शन कैसे करनी है? हाँ, नॉट टू बी यूज इन प्रोजेक्शन, नॉर्मलस एरर इज नॉट यूज इन प्रोजेक्शन, ठीक है। हाउएवर इट इज इंक्लूडेड इन क्यूमुलेटिव एरर लिस्ट ऑफ क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल, ठीक है। प्रोजेक्शन में यूज नहीं करने, लेकिन लिस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट में ऐड कर देना। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 9, फिर देखे रिक्वायरमेंट, कमेंट ऑन सैंपलिंग अप्रोच अडॉप्टेड बाय ऑडिट टीम। यानी इसका मतलब है किसी ना किसी टीम ने अप्रोच अडॉप्ट की है और हमें क्या कह रहे हैं इसके ऊपर, कमेंट करो, कमेंट करो। इसका मतलब क्या हुआ, कमेंट करना है हमने, कोई ना कोई गड़बड़ होगी इसमें, जो चीजें ठीक हो रही हैं उनको जाने देना है, जहां पे कोई गड़बड़ हो रही है वहां पे उसको बताना है। कह रहा है यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, व्हाइल रिव्यूइंग द ऑडिट प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन यू फाउंड दैट द ऑडिट टीम हैज सिलेक्टेड 100 आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 2550 डेटर्स फॉर बैलेंस कंफर्मेशन। अच्छा, अब यहां पे कंफर्मेशन के लफ्ज को भी अंडरलाइन कर लें, इसका मतलब सैम्पलिंग भी आ गई, शायद किसी जगह पे कंफर्मेशन की बात भी आ जाए, ठीक है। सैम्पलिंग भी, सैम्पलिंग अप्रोच भी आ गई, कंफर्मेशन। कई दफा ऐसे करते हैं ना, सैम्पलिंग के क्वेश्चन को कंफर्मेशन के साथ मिक्स कर देता है, इसकी रीजन क्या है अभी बताइए। क्योंकि ज्यादातर सैम्पलिंग डेटर्स और क्राइटर में यूज होते, लेकिन हमेशा नहीं कह रहा, ज्यादातर। अच्छा, पहला क्या मैं ये गलती उसकी ढूंढूं कि भाई तेरे 2500 आइटम है, तू इतना सुस्त है, इतना काम चोर, तूने सिर्फ 100 आइटम सेलेक्ट किए 2500 में से। सैंपल साइज पे कमेंट नहीं करना जब तक हमें फैक्टर्स ना बता दे, ठीक है। अच्छा, क्या रीजन हुई होगी भैया, वो प्राइस बोले भाई, प्राइस ये अगर है कोई मौजूद तो प्राइस ले आए। क्या रीजन मौजूद हुई होगी कि इतना कम सैंपल साइज सेलेक्ट किया, बता। एक मिनट हरी, एक ये भाई बताएंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट, फिर लगो एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्यों बोला, रेट ऑफ डेविएशन क्यों नहीं, टेस्ट कैसे पता चला, टेस्ट ऑफ डिटेल उसने कहीं नहीं लिखा, कहां से पता चला टेस्ट ऑफ डिटेल है। हाँ, बैलेंस कंफर्मेशन, बैलेंस कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ डिटेल का ही प्रोसीजर है, बैलेंस कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ डिटेल में ही करते हैं, अमाउंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं हम कंफर्मेशन में, क्या प्रोसेस को, अमाउंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें कौन से अच्छा क्या हुआ होगा, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट डिक्रीज हुई होंगी, शाबाश, और क्या हुआ होगा, रिस्क बेहतरीन, अबाया लाइन पे, शाबाश, रिस्क डिक्रीज हुआ होगा, शाबाश। और एक और बता, और स्टेटिफिकेशन की होगी, स्टेटिफिकेशन टेस्ट और डिटेल के लिए रेलिवेंट था, बिल्कुल था, शाबाश, ठीक है जी, ठीक। अच्छा, इसका मतलब है 100 वाला एरर नहीं है, 2500 में से 100 को उठाया, ये एरर नहीं है, वो डिपेंड करता है उसके फैक्टर्स पे, हो सकता है फैक्टर्स उसके फेवर में हो, सैंपल साइज कम कर लिया। कह रहा है डिटेल्स आर एज फॉलोज, 50 लार्जेस्ट डेटर्स कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ टोटल डेटर्स, 2550 में से अगर सिर्फ 50 को अलहदा कर लेना, वो टोटल का 40% बन जाते हैं, आउट ऑफ दीज 10 हैव बीन सिलेक्टेड। अगर भाई स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज है, ऑल शुड हैव बीन सिलेक्टेड, ऑल शुड हैव बीन सिलेक्टेड, 50 के 50 सिलेक्ट कर, पहली गलती, एग्री करते हैं। सेकेंड, 90 अदर डेटर्स वर सिलेक्टेड थ्रू हैपहैज़र्ड सैंपलिंग, इससे एग्री करते हैं। इट डिपेंड्स अगर स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज की गई है तो गलत, अगर नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज की गई है तो ठीक, और ये आपने लिखना है इफ करके, क्योंकि हैपहैज़र्ड सैंपलिंग इजाजत है, लेकिन कैसे, नॉन स्टैटिस्टिकल में। अच्छा, अगर यही सारी लाइन सेम होती, हैपहैज़र्ड की जगह लिखा होता ब्लॉक सैंपलिंग,
फिर कहते कर ही नहीं सकते। और अगर लिखा होता है रैंडम सैम्पलिंग, फिर कुछ भी डिस्कस, फिर कहते सब कुछ ठीक है। रैंडम लिखा होता सब कुछ, क्योंकि वो हर सूरत में इजाजत है। ब्लॉक लिखा होता कहते नहीं ठीक, क्योंकि उसकी कभी भी इजाजत नहीं है। और अगर हैफेजर लिखा होता तो हम कहते इफ इफ स्टैटिस्टिकल नो इजाजत, इफ नॉन स्टैटिस्टिकल यस इजाजत। ठीक है जी, ये इफ करके बात कर देंगे। All अब ये दो गलतियां हमने आइडेंटिफाई कर ली। पहले ऑल डेटर्स बिलो रुपीज 5000 वर इग्नोर्ड एज इमटेरियल। अच्छा ये ठीक ही है, ठीक नहीं किया? हाँ जी, कि इनको एग्रीगेट मटेरियल हो, अ सैंपल शुड आल्सो बी सेलेक्टेड फ्रॉम दिस कैटेगरी इमटेरियल आइटम्स बिकॉज, रीजन क्या है, रीजन क्या है? बिकॉज इंडिविजुअली इमटीरियल कैन बिकम मटीरियल इन एग्रीगेट। और अगर आपका दिल करे ना उधर बैठ के टाइम हो तो आप ये भी लिख दे कि हाँ इन पे नेगेटिव कन्फर्मेशन अप्रो, कन्फर्मेशन भी उसने जिक्र किया ना, तो अगर दिल करे आप भी कन्फर्मेशन। मार्क्स कितने हैं? रहने दे, रहने दे, क्योंकि अप्रोच पे ही कमेंट कर लें तो बहुत है। हाँ जी, बैलेंस ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सम ऑफ अदर रिलेटेड पार्टीज वर इग्नोर्ड एज प्रायर वर्किंग पेपर शोड दैट दे नेवर रिस्पोंडेड टू रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो ठीक है नहीं, तो जब कोई रिस्पोंड करेगा ही नहीं तो फिर उसको कंफर्मेशन नहीं नहीं भेजनी, भेजेंगे भी तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अच्छा उसका ये डिसीजन ठीक है कि कंफर्मेशन नहीं भेजनी, क्योंकि जवाब आता ही नहीं है, ये डिसीजन ठीक है, लेकिन इसको इग्नोर कर देना ये कर, तो फिर क्या करना चाहिए? अल्टरनेटिव प्रोसीजर, शाबाश। ठीक है, तो अगर किसी पार्टी को कंफर्मेशन लेटर भेजे और उसे जवाब ही ना आए तो उसको इग्नोर कर दिया जाए कि उसने हमें इग्नोर किया, हम उसको इग्नोर कर देंगे। ऐसे नहीं होता ऑडिट, नहीं ऐसे ऑडिट में, ऐसे नहीं होता ऑडिट में। आपने क्या करना है फिर, क्या करना फिर? अल्टरनेटिव प्रोसीजर, शाबाश शाबाश। इस केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम? चलिए, चारों पॉइंट्स में गलतियां थी इतफाक से, चारों को हमने, चार ही नंबर थे, एक एक नंबर होगा प्रोबेबली हर एक। डिफरेंशिएट बिटवीन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। हाँ, ये वो लाइन है जिसने सैम्पलिंग के चैप्टर को क्लियरली डिफरेंशिएट करवाया आपके वो नॉर्मल ऑडिट से। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन पक्का है आपको याद नहीं होगी, पक्का है। कितने स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन याद है? हाथ उठाइए जरा, ये देख लें। अच्छा मुझे ये बताइए, चार स्टूडेंट्स को याद, ये मैंने तुक्का लगाया होगा कि आपको याद नहीं है, इतफाक से तुक्का चल गया है, ऐसे ही होगा ना कि कोई जजमेंट होगी, कोई एक्सपीरियंस होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो और जो आई कैप का एक्सपीरियंस, हम में से किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है? आई कैप का ज़्यादा है। मैं 10-12 साल हुए मुझे पढ़ाते शुरू हुए, आई कैप तो 50 साल से पेपर ले रहा है। क्या जो चीज़ मुझे पता है आई कैप को भी पता नहीं होगी कि बच्चे कौन कौन से कंसेप्ट को छोड़ गया? सोचे ज़रा एग्जामिनर के माइंड पॉइंट से। तो आई कैप क्या जो चीज़ें आप छोड़ के जाते हैं उनमें से पेपर सेट करेगा कि जो चीज़ें आप कवर करके जाते हैं? आई कैप बन के सोचना, स्वर्ण बन के नहीं सोचना, तो दोनों में से नहीं। ये सी ए और बीए में यही फ़र्क है। बीए में वो कहते हैं जो स्टूडेंट करके आया ना, वो 10 सवाल याद है, बीए 10 सवाल देते थे उसका, उसमें से सात आ जाते थे। जिस दिन सात में से एक आउट ऑफ कोर्स आता था और 6 आ जाते थे, हालांकि करने 5 ही होते थे, उस दिन हड़ताल हो जाती थी, ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसा हमारे साथ भी ऐसे हुआ बी कॉम में ऐसा। तो सी ए में ऐसा नहीं करेगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल है उसे उसे सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताइए, तो फिर जिस कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ, जो कंसेप्ट आपको मुश्किल लगे ना तो आपका जो शैतान है ना अंदर, शाम को मिलने आता होता है हमसे, वो आपसे कहेगा इसको छोड़ दे, ये बहुत मुश्किल है, इसकी बजाय आसान वाला दोबारा तैयार कर ले, आसान वाला दोबारा तैयार, इसमें से कौन सा पूछ लेना उसने। लेकिन फौरन आपने लाहौल वाला अकबर पढ़ना और याद आ जाना चाहिए, हाँ सर ने कहा था क्या कि जो मुश्किल होगा, अगर हमारे लिए मुश्किल है तो दूसरों के लिए भी मुश्किल है,
अगर दूसरों के लिए मुश्किल है तो आई कैप को भी पता होगा मुश्किल है, और अगर आई कैप को पता चल गया मुश्किल है तो वो उसी में से पेपर सेट करेगा। तो याद रखे, जो मुश्किल कंसेप्ट होते हैं उनके पेपर में आने का चांस ज़्यादा होता है, उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है। लेकिन आखिरी महीने हम रूल स्टूडेंट के लिए ना उस्ताद के तौर पे आखिरी महीने में रूल बदल देते हैं। आखिरी महीने हम उस स्टूडेंट को कहते हैं भाई जो याद है ना उसी को पक्का कर लो तो बड़ा है, अब आखिरी महीने कोई नई टेंशन पालने से बेहतर है जो यार। लेकिन अभी टाइम है ना आपके पास, इसीलिए आपके प्रीवियस कोई कंसेप्ट अगर वीक है ना तो ये ना सोचे ये कौन सा आई कैप ने पूछ लेने हैं। आई कैप कोई भी कंसेप्ट पूछ लेता है, बल्कि सच्ची बात था मेरा ख्याल था एक कंसेप्ट ऐसा था ऑडिट में, उस पेपर से मैंने बहुत कुछ सीखा। उसे एक अटैम्प्ट थी कि वो एक अटैम्प्ट थी कुछ 4-5 साल पहले कि मेरा ख्याल था ये ऐसा कंसेप्ट है जिसको ऑडिट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, भी नहीं ताल्लुक, प्रैक्टिस में भी नहीं था। और आई कैप कभी भी इसमें से बाकी सब कुछ पूछ ले ये सवाल नहीं पूछेगा, और आई कैप ने वही क्वेश्चन पूछ लिया। उस अटैम्प्ट के बाद फिर मैंने ये पक्का सुर बनाया कि छोटी से छोटी चीज़ भी होगी ना छोड़नी नहीं है, छोड़नी नहीं है, छोड़ दे। हाँ बच्चे फेल हो गए, उस 4-5 नंबर के क्वेश्चन की वजह से बच्चे फेल हो गए, वो जो 95-96 नंबर वाला पेपर था ना उस वजह से पास नहीं हो सके। और जो बच्चा फेल हुआ पूछा भी उससे मैंने, मैं कहता है सर कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो 4-5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कॉन्फिडेंस, जो 95-96 नंबर का आता था उससे कॉन्फिडेंस गेन नहीं हुआ। मर्जी है भाई आपकी, आपका कॉन्फिडेंस आपकी मर्जी, जहाँ मर्जी लूज हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑन ए सैंपल ऑफ रिसीवेबल बैलेंस रिकॉर्डेड एज ₹2 million इंडिकेटेड दैट करेक्ट बैलेंस शुड बी ₹1950। यानी 2 मिलियन की पॉपुलेशन थी ये, के सैंपल था 2 मिलियन का सैंपल था। इस सैंपल से हमें पता चला कि 1950 एक्चुअल अमाउंट होनी चाहिए। अच्छा, उसने क्लियरली नहीं बताया मिसस्टेटमेंट की अमाउंट क्या है। मुझे एक केस स्टडी याद आ गई, उसने केस स्टडी में कहा था, शायद आपने की हो, कि क्लाइंट का प्रॉफिट है 79 मिलियन। एक मिसस्टेटमेंट आई जिसे करेक्ट करने से प्रॉफिट 74.5 मिलियन हो जाता है। तो स्टूडेंट कहने लगे सर इसमें मिसस्टेटमेंट की अमाउंट ही नहीं थी, हम कंपेयर कैसे करते हैं, तो डिफरेंस है मिसस्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए, उसने कहा है सैंपल उठाया 2 मिलियन का, पता चला ये 2 मिलियन नहीं बल्कि 1.95 मिलियन होना चाहिए। क्या मिसस्टेटमेंट उसने दिया कि नहीं दी? कितनी मिसस्टेटमेंट है? 50,000। इसका मतलब ये हुआ 2 मिलियन में 50,000 की मिसस्टेटमेंट। द टोटल ऑफ बैलेंस ऑफ आइटम हैज बीन रिकॉर्डेड एज 10 मिलियन। टोटल पॉपुलेशन कितने? 10 मिलियन। तो बताइए व्हाट द आइटम्स माइट कंक्लूड अबाउट प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट इन पॉपुलेशन। कीजिए प्रोजेक्ट जी, के प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कितनी है? 250,000। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट का कंसेप्ट रेलिवेंट है कहीं? यह है बिल्कुल। इस प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट को टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, अगर प्रोजेक्टेड टॉलरेबल से कम है पॉपुलेशन ठीक। अच्छा अब आगे, अब आप लोगों का अगर इन भाईजान ने जिनसे सवाल पूछा सही जवाब दे दिया इसका मतलब सारी क्लास पास, वरना सारी क्लास फारग। ठीक है जी, ये मेरे भाई मुझे बताएंगे कि अगर प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से ज़्यादा हो जाए तो उस सूरत में ऑडिटर का कंक्लूजन क्या होगा? शाबाश, सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर आवर कंक्लूजन। अब मजीद मजीद चले, कोई नहीं इतना भी बता दिया बहुत है ना, वो याद सर्च कर लें। चाय की बात कोई नहीं हुई थी, चाय की बात कोई नहीं हुई थी। चलिए अब चलते हैं हम अपने, ये हो गए सैम्पलिंग के सारे क्वेश्चन। टाइम अभी है 6-7 मिनट हैं, और ये कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट ना पढ़ चुके हो तो बताए, सिर्फ ये 2-3 छोटे से पॉइंट नए होंगे। पहला, अच्छा सुन ले जरा, थीम आज सिर्फ समझने थीम डेवलप कर रहा हूं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 सिर्फ थीम डेवलप करता है, आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है, पढ़ना कल से है चैप्टर 18।
हमारे ऑर्बिट में कुछ फरिश्ते हमारी मदद भी, हमारे लिए फरिश्ते होते हैं, वो मदद करते हैं, ठीक है वो, हाँ शाबाश, वो प्रीडिसेसर ऑडिटर सबसे पहले हमारी एक्सेप्टेंस स्टेज पे हेल्प करता है, ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई करने में भी हेल्प करता है, फिर इंटरनल ऑडिटर, फिर एक्सपर्ट, फिर कंपोनेंट ऑडिटर, फिर क्वालिटी कंट्रोल व्यूअर, ठीक है। अच्छा प्रीडिसेसर ऑडिटर सिर्फ दो उसके पॉइंट्स हैं, एक्सेप्टेंस स्टेज और ओपनिंग बैलेंसेस, वो हम पढ़ चुके हैं दोनों। फिर इसके बाद कंपोनेंट ऑडिटर हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर उस वक्त हमारे काम आता है जब कोई थ्रेट ज़्यादा हो, कोड ऑफ एथिक्स में थ्रेट ज़्यादा हो ना, तो उसको हम सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करा, भाई देख लो कोई हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो ये तीन तो लैदा हो गए, अब बाकी रह गए दो, एक्सपर्ट और इंटरनल ऑडिटर। इन दोनों को, ये दोनों लोग प्रोफेशनल हमें कैसे हेल्प करते हैं एविडेंस ऑब्टेन करने में, किन सिचुएशन में हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करेंगे, और अगर हेल्प करेंगे तो इनका काम हमने आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लेना है कि कुछ चेकिंग करनी है। ये सारी डिस्कशन इस चैप्टर में होगी। चैप्टर का टाइटल जरा पढ़िए क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। अदर्स से मुराद दो, टोटल अदर्स पांच है, लेकिन हमारे इस चैप्टर के स्कोप में दो अदर शामिल हैं, इंटरनल ऑडिटर और एक्सपर्ट। बाकी दो किसी और जगह पे हम पढ़ चुके हैं और एक हमने सीफैब लेवल पे पढ़ना है, कंपोनेंट ऑडिटर वाला। तो ये हो गए दो, कौन कौन सा, इंटरनल ऑडिटर और एक्सपर्ट, ठीक है जी। पहले हम इंटरनल ऑडिटर स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये हमारा पेटी भाई है, इसका तरीकाकार और हमारा चूँकि तकरीबन मिलता जुलता है तो ये हमें आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। यूजिंग दिस चैप्टर में कौन से दो प्रोफेशनल के वर्क को यूज करना सीखना है, इंटरनल ऑडिटर और एक्सपर्ट। पहले किसको स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर को, किस लिए, पेटी भाई है, काम मिलता जुलता है, आसानी से समझ आ जाएगी। तो इंटरनल ऑडिटर सबसे पहला, इंटरनल ऑडिटर का स्कोप क्या होता है, इससे पहले आप हमें बताएं एक्सटर्नल ऑडिटर का स्कोप क्या होता है वाला, यानी हम जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हमारा स्कोप होता है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना, या वो जो लॉ ने अगर कोई एडिशनल चीज कह दी हो चाह तो वो चेक करना है, बाकी कोई चीज चेक करना हमारे स्कोप में शामिल नहीं है, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर का स्कोप क्या है, जो डायरेक्टर्स कह दे, हमारा स्कोप तो लॉ ने डिफाइन कर दिया ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, कहानी खत्म, बाकी जो चीजें हमने कहा कम्युनिकेट करो या पीने वो करनी है, मेजर हमारा स्कोप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। लेकिन इंटरनल ऑडिटर को किसने पॉइंट किया होता है, डायरेक्ट, तो इंटरनल ऑडिटर का स्कोप क्या होगा, जो भी डायरेक्टर कह देंगे, जो मैक्सिमम स्कोप हो सकता है वो ये छह चीजें हैं, छह दो तीन चार पांच चीजें हैं मैक्सिमम स्कोप जो हो सकता है ये पांच। लेकिन याद रखिएगा अल्टीमेटली बाजू का तो हो सकता है प्रैक्टिकली कहीं जाए आपको पता चले इंटरनल ऑडिटर सिर्फ तीन काम कर रहे हैं, आप उसे कहें हमने तो पढ़ा था पांच है चीजें आपके स्कोप में शामिल होती हैं, क्योंकि पांचों हो सकती थी, डायरेक्टर ने कहा ये दो काम नहीं करना ये तीन करने हैं, हम नौकर की थे नखरा के, हम तो नौकर हैं एम्प्लॉयज हैं, जो डायरेक्टर कहेगा वो काम करेंगे। एक जगह जाएंगे इंटरनल ऑडिटर सिर्फ एक ही काम कर रहा होगा, आप पूछेंगे एक ही हमने तो पांच पढ़े थे, और एक जगह जाएंगे और हैरत से उछल ही पड़ेंगे, वहां पे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा ही नहीं। आप कहेंगे ये क्या, अच्छा थोड़ी थोड़ी खुशी भी होगी क्योंकि अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है ना तो इंटरनल ऑडिट वाले जितने भी कंसेप्ट है ये भी परफॉर्म नहीं करने, लेकिन हैरान जरूर होंगे इंटरनल डिपार्टमेंट क्यों नहीं है, डायरेक्टर बताएगा इसलिए कि एक्सटर्नल ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ है, इंटरनल ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। तो हम अंदाजा लगाते हैं अगर हमें लगे फायदा ज्यादा नुकसान कम है तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, अगर हमें लगे नहीं कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है हम कहते हैं रहने दो। क्लियर हो गई ये बात, तो इंटरनल, अच्छा आपके ख्याल में अगर मैं आपसे कहूँ एक एक्टिविटी बताएं जो आपके ख्याल में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा परफॉर्म करनी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल, पहला काम यही है मॉनिटरिंग ऑफ, इसका मतलब हमने भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर, कंट्रोल को चेक करना है, कंट्रोल वीक है करते हैं ना, हालांकि ओपिनियन नहीं देना होता लेकिन एक रिस्क असेसमेंट के लिए इंटरनल ऑडिटर ने भी करना है। ये नोट कीजिएगा बाद में मैंने कंसेप्ट लिंक करना है कि मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इंटरनल, भाई उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना,
तो किसी ना किसी ने विद इन द कंपनी भी, देखिए हमने पढ़ा था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है डिजाइन इंप्लीमेंट के लिए, ठीक है, विद दो साविक वर्नस, तो डायरेक्टर फिर इंटरनल आर्ट वालों के जिम्मे ये काम लगाते हैं कि तुम हमें मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स को अप्लाई कर रही होती है, इंटरनल आइटर मॉनिटर कर रहे होते हैं, जहन में रखें, जैसे हम भी मॉनिटर करते हैं उसको परफॉर्म नहीं करते इंटरनल कंट्रोल। तो पहला इंटरनल आइटर का काम क्या, हम कहेंगे ये तो हम भी करते हैं, हम करते हैं क्या नहीं इंटरनल कंट्रोल की टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम भी करते हैं। दूसरा काम इंटरनल आइटर ने बताया, सर वो जो कंपनी लॉ में लिखा हुआ है ना क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को भिजवानी है, तो वो उनको भिजवाने से पहले ना हम इंटरनल ऑडिट वाले भी उनको एग्जामिन करते हैं वो ठीक है कि नहीं। हाँ हम एग्जामिन करके ना शेयर होल्डर को रिपोर्ट नहीं देते क्योंकि हमारी बात पर कोई इतवार ही नहीं करता, लेकिन हम अपने बॉस को रिपोर्ट देते हैं डायरेक्टर्स को कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, फिर वो आपको कहते हैं अब आप चेक कर लें। तो जो रिपोर्ट बनती है ना साथ साथ हम भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इंटरनल ऑडिट वाले भी चेक कर रहे होते हैं, हम भी चेक कर रहे होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर साथ साथ। अच्छा क्या जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसको एग्जामिन यानी चेक कर रहे होंगे इंटरनल ऑडिट वाले, तो क्या वो भी कोई सब्सटेंटिव प्रोसीजर टाइप काम नहीं कर रहे होंगे, वो इनवाइसिस वगैरह भी चेक कर रहे होंगे, वो एनालिटिकल प्रोसेस, तो इसका मतलब हुआ कि कुछ टेस्ट ऑफ डिटेल का लगा वो भी करे, हमने भी करना है वो भी कर रहे होंगे। ये कंसेप्ट जेहन में रखिएगा कि इंटरनल ऑडिटर की कुछ एक्टिविटीज हमारे से रेलिवेंट है। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन के कंपनी के ऊपर जितने भी लॉज एप्लीकेबल हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं, वायलेशन तो नहीं हो रही। रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कंपनी के ऑपरेशंस ठीक है कि नहीं, ठीक है कंपनी के ऑपरेशंस ठीक है कि नहीं। जैसे आपको बताया था ना वो बिजनेस के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन और एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हो गया, लॉ ये हो गया और ऑपरेशंस ये कि कंपनी के ऑपरेशन इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर रहे हो, यानी इकोनॉमिक हो, एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो। अच्छा इस काम से ऑडिटर को कोई गर्ज नहीं होती, इस काम से ऑडिटर को थ्री ईज का मतलब क्या है कि जो काम हो रहा है वो एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, इकोनॉमिक हो। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, अगर कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड का खतरा हो तो डायरेक्टर किसको कहते हैं तफ्तीश करके बताओ, क्या पुलिस वालों को कहते हैं, किसको, पहले इंटरनल ऑडिटर को। अच्छा अगर आपने ये एक्टिविटीज पढ़ ली है ना तो आपसे एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछने लगा हूं, दो बल्कि दो। पहला क्वेश्चन, एक्सटर्नल ऑडिटर का स्कोप भी आपने चैप्टर टू में पढ़ लिया, टू डेज में इंश्योरेंस, इंटरनल ऑडिटर स्कोप भी आपके सामने है, बताइए किसका स्कोप वाइडर है। एक्सटर्नल ऑडिटर का, गलत, इंटरनल ऑडिटर का स्कोप वाइडर है। एक्सटर्नल ऑडिटर के स्कोप में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, या किसी हद तक इंटरनल कंट्रोल को भी वो चेक करता है, ऑपरेशंस स्कोप में नहीं, इन्वेस्टिगेशन करना स्कोप में नहीं है। इसीलिए याद रखिए पहला असूल कि इंटरनल ऑडिटर का स्कोप वाइडर होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर का स्कोप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनल ऑडिटर ने पूरे बिजनेस को देखना है, एक्सटर्नल ऑडिटर ने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है। नहीं समझ आ रही, क्लियर? यानी यू समझ लीजिए ये है इंटरनल ऑडिटर का स्कोप और ये है एक्सटर्नल ऑडिटर का, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। ये जो बाकी के ऑपरेशंस हो रहे हैं ये इंटरनल ऑडिटर ने देखने हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर ने नहीं। क्लियर? अच्छा दूसरा सवाल, क्या ऐसा होता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल करना, क्या ऐसा होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर का काम कॉमन हो, यानी जो काम एक्सटर्नल ऑडिटर ने करना है वो इंटरनल ऑडिटर भी कर रहा हो। हाँ शाबाश, ये सही बता दिया। एग्जाम्पल जैसे कौन सा काम, मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो मुझे बताइए अब वो सवाल जिसकी वजह से ये स्टैंडर्ड इजाद हुआ,
अगर एक काम इंटरनल ऑडिटर ने भी करना है, एक्सटर्नल ऑडिटर ने भी करना है, और इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी कर लिया है, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर को वो दोबारा से करना चाहिए कि उस काम की चेकिंग करके, रिव्यू करके कि ठीक हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं, उसको यूज कर ले? यही कंसेप्ट है इसका, और ये चैप्टर यही बताता है कि किन सिचुएशन में, वो कहता है इंटरनल ऑडिटर का हर काम आप यूज नहीं कर सकते, इंटरनल ऑडिटर का हर काम यूज नहीं कर सकते, ठीक है? वो देखा लतीफा सुना होगा आपने, वो अंधेरा बहुत ज्यादा था, बारिश हो रही थी, पिछली गाड़ी वाला कहने लगा यार सड़क पे पानी पता नहीं कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, तो मैं ऐसा करता हूँ अगली गाड़ी जा रही है उसके पीछे गाड़ी लगा देता हूँ, जहाँ जहाँ ये जाएगा कोई खड्डा खुड्डा आया खुद ही गिरेगा, मुझे पता चल जाएगा, दायमाय हो जाऊंगा। आगे चल के अचानक आगे वाली गाड़ी रुक गई, पिछला हॉर्न दे जाए, वो भाई गाड़ी आगे साइड में कर, गाड़ी साइड में कर, आगे वाला बाहर निकल के कहता क्या प्रॉब्लम है, पिछला कहता भाईजान मैं गाड़ी आया है मेरी, आप एकदम रोक ली है, कहता भाई ये तो मेरे घर का गैराज है, ये तो मेरे घर का तो पीछे हमने एक्सटर्नल ऑडिटर है ना, इंटरनल ऑडिटर के पीछे जाना है, फॉलो करना है, लेकिन ये देख लेना है कि वो जा किस तरफ रहा है, अगर वो इस तरफ जा रहा है जिस तरफ हमने जाना है फिर उसके काम को यूज कर लो, लेकिन अगर वो उस तरफ जा रहा है जिस तरफ हमने नहीं जाना फिर उसका पीछा नहीं करना, फिर उसका वर्क यूज नहीं, यानी इंटरनल ऑडिटर का हर वर्क हमने यूज नहीं करना, सिर्फ वही यूज करना जो रेलिवेंट होगा। क्लियर? अब ये टॉपिक आपको बताएगा कौन सा वर्क रेलिवेंट है कौन सा नहीं, और जो रेलिवेंट है उसे यूज करने से पहले क्या एहतियातें करनी है। फिर से ये चैप्टर क्या बताएगा कि कौन सा वर्क हमारे लिए रेलिवेंट है कौन सा नहीं, और जो रेलिवेंट है उसे यूज करने से पहले क्या करना है। 30 सेकंड में वो कंसेप्ट जो पहले पढ़ लिया था चैप्टर 2 में, इस आज के दिन की वजह से पढ़ाया था, इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर में फर्क, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन अपॉइंट करता है एक्सटर्नल ऑडिटर को और इंटरनल ऑडिटर को, क्वालिफिकेशन किसकी लॉ ने बताई हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन जरूरी है, क्वालिफिकेशन स्कोप किसका ज्यादा है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, डायरेक्टर को और एक्सटर्नल ऑडिटर शेयर होल्डर, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट किसका लाने दिया हुआ है, और हमने पढ़ा नहीं हुआ था, खत्म नहीं बढ़ गया, बस ये बहुत अहम कंसेप्ट, अभी नहीं बताना, नहीं बता रहा, नहीं पढ़ा रहा, नहीं पढ़ा रहा, नहीं पढ़ा रहा, नहीं पढ़ा, सिर्फ ये बता रहा हूं, कल मुझे याद करवाना है आपने कि सर ये पढ़ाए बगैर अगला लफ्ज़ नहीं पढ़ाना, कोई ये कंसेप्ट समझाए बगैर अगला लफ्ज़, क्लियर जी? चलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 चैप्टर 18 का हमने कहा बहुत आसान और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन उसने इसमें लगने ऑब्जेक्टिव से, इससे आगे इंशाल्लाह कल चलेंगे, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।